हरियाणा के हिसार में पुलिस त्योहारों को लेकर चौकस दिखाई दे रही है। खाद्य सामग्री में किसी तरह की मिलावट ना हो इसको लेकर पुलिस फूड प्रोडक्ट फैक्ट्री संचालकों पर कार्यवाही भी कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने हिसार के तलवंडी राणा स्थित अंबिका फूड प्रोडक्ट्स फैक्ट्री में कार्यवाही की। संचालक सिवानी निवासी वीरेंद्र, जगदीश, सुशील कुमार और सोनू के खिलाफ नकली घी बनाकर बेचने व जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। वहीं पुलिस ने 825 लीटर नकली देसी घी इत्यादि सामग्री को जब्त कर लिया है। बता दें कि छापेमारी के दौरान वीरेंद्र को पुलिस टीम ने काबू कर लिया था, लेकिन बाकी तीनों आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर दीवार फांद कर भागने में कामयाब हुए। आपको यहां बता दें कि सदर थाना पुलिस को जानकारी मिली थी कि फैक्ट्री में चार व्यक्ति 15-15 लीटर के पीपों में घी भर रही हैं। तब पुलिस टीम ने फैक्ट्री पर छापा मारा, वहां वीरेंद्र को काबू कर लिया। इसके बाद फूड सेफ्टी ऑफिसर अरविंदरजीत सिंह भी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे। पुलिस के मुताबिक इस दौरान फैक्ट्री से एक टब, कूपी, जग, एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा, एक सील पैकिंग वाली मशीन, 100 खाली रैपर, 4 टीन रिफाइंड ऑयल, 15 लीटर वाली 55 पीपे नकली घी और एक अन्य कमरे में मक्खन बरामद किया। बताया जा रहा है कि आरोपी वीरेंद्र से घी बनाने का लाइसेंस मांगा गया था जो वह पेश नहीं कर पाया। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।